गुजरात विधानसभा चुनाव में मुख्य जंग बीजेपी बनाम कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस से मुकाबला करने से पहले बीजेपी को पाटीदार आरक्षण समिति के कार्यकर्ताओं से दो दो हाथ करना पड़ा है। जी हां, सूरत में बीजेपी के कार्यकर्ता और हार्दिक पटेल के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हुई, जिसका खामियाजा बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक सूरत के पाटीदार बहुल बराछा इलाके में बीजेपी के स्थानीय विधायक जनक पटेल जैसे ही पार्टी का प्रचार करने पहुंचे, वैसे उनका सामना पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल के समर्थकों से हो गया। बीजेपी नेता जहां पीएम मोदी के गुणगान कर रहे थे, वहीं पाटीदार नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही जय पाटीदार के नारे भी लगाए। देखते ही देखते ये जुबानी जंग हाथापाई में बदल गई और दोनों नेता आपस में भिड़ गए। पुलिस को जैसे ही हंगामे की भनक लगी तो वो मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे हार्दिक पटेल के साथ समर्थकों को हिरासत में ले लिया, जिसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और हार्दिक समर्थकों ने थाने का घेराव भी किया और नारेबाजी भी की। पाटीदार समाज के लोगों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर चूड़ियां भी फेंकी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमारा विरोध पाटीदारों से नहीं बल्कि कांग्रेस के समर्थकों ने किया है। आपको बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार नेता बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए बीजेपी नेता जब भी पाटीदारों के इलाके में प्रचार करने जाते हैं वैसे ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।